कुछ प्राचीन काल की बातें याद करें। प्राचीन काल में एक हमने पढ़ा था कंसेप्ट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ सी क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। लेकिन अगर आप फाइंड करें एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फिर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फिर सी की वैल्यू रख देंगे, कितनी रख देंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का इक्वेशन है। तो अभी हमने फाइंड किया, अच्छा फिर ये कैपेसिटी फाइंड हुई थी, फिर इसके बाद हमने एक फिगर और फाइंड करी थी, अगर किसी को याद आ रहा हो कुछ गुजरा जमाना बचपन का, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कैसे फाइंड करा था? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो सेम कहानी यहां करनी है हमें। एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन प्योर इंडक्टर यू इक्वल्स हाफ एल आई स्क्वायर। ये तो एक इंडक्टर का फॉर्मूला है, ये इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, जैसे वहां सी कैपेसिटी थी। अब आप फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं हाफ सी वी स्क्वायर, तो इससे कोई मतलब नहीं कि वो कैपेसिटर किस शेप का है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, या किसी और शेप का, हजारों शेप, कई शेप के होते हैं कैपेसिटर। इसी तरह फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं हाफ एल आई स्क्वायर, तो इससे कोई मतलब नहीं कि इंडक्टर किस शेप का है, लेकिन कैपेसिटर में भी स्पेसिफिकली अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फाइंड करना था, तो सी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यहां आपको स्पेसिफिकली फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इन लॉन्ग सोलिनॉइड, तो एल की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड सब्स्टिट्यूट कर देना। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे टोटल, वो सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और याद कीजिए वहां कैपेसिटर में एक दो तरह के कैपेसिटर की निकाली थी, एक एयर कोर के लिए, फिर उसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने, है ना, के टाइम्स, फिर यहां से डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया था एनर्जी स्टोर्ड इन, याद नहीं वो बातें, हाँ अब देखेंगे फिर कभी। तो वैसे यहां पर हम फिर से मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी यहाँ डिफाइन करेंगे। फिजिक्स में सब कुछ घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, वहीं के वहीं आ जाते हैं। 365 दिन बाद आज जहां है, 365 दिन बाद फिर यहीं के यहीं होंगे। हाँ जी, तो प्योर इंडक्टर के लिए आपका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। सोलिनॉइड के लिए फॉर लॉन्ग सोलेनाइड एल की वैल्यू कितनी है याद करो, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एन स्क्वायर ए, अगर ये एयर कोर है तो, इंटू एल कहां से आ जाएगा इसमें, हाँ एल भी आना चाहिए इसमें, हाँ एल आना चाहिए, हाँ लेंथ। या फिर इसी को दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ले ली, एक एल से एल कैंसिल हो गया। तो अब आपके लिए क्या बन जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ लॉन्ग सोलिनॉइड यू इज इक्वल टू हाफ, ये वाला फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई स्क्वायर जूल। एक फॉर्मूला तो ये बना सिंपली, ठीक है। यहीं से हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, तो ये कैपिटल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉलिनॉइड। तो आपके लिए क्या बना, देखो कैपिटल यू कितना है, कैपिटल यू कितना है आपका, ये पूरा का पूरा, और इसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ क्या हट जाना है, एल हट जाना, क्या बचेगा आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय टू, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, करेक्ट। अब इसी में थोड़ा सा चेंज मैं करूं, कौन सा फॉर्मूला लेकर, ये वाला फॉर्मूला लेकर, तो फिर यू इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल इंटू आई स्क्वायर, करेक्ट। यू इक्वल्स कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय 12 इंटू आई स्क्वायर जूल, एक फॉर्मूला ये भी बनता है। ये तो है सारे फॉर्मूले किसकी फॉर्म में है, जिसमें करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, करंट। लेकिन करंट को हटाकर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ निकाल कर लाना चाहें, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलिनॉइड बी इज इक्वल टू कितना होता है, याद करो, म्यू नॉट एन, हाँ स्मॉल एन लिख लो या कैपिटल एन लिख लो इसे, म्यू नॉट एन आई कह दो, या तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में ये। तो अब यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लेकर आए इसे, तो फिर आई आपका क्या बनेगा, देखो आई सब्स्टिट्यूट कर दो, आई आपका या तो ये बन जाएगा क्या, बी बाय म्यू नॉट एन, और आई यहां से निकालोगे तो क्या बनेगा, बी एल बाय म्यू नॉट कैपिटल एन। अब आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, या इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये स्मॉल नंबर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। तो यहाँ आई की वैल्यू आपने कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कितनी, बी बाय म्यू नॉट एन। तो फिर आई क्या जाएगा बताओ, यहां हो जाएगा बोलो, यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल बाय टू, मैंने फॉर्मूला लिख दिया पूरा, और इस आई को सब्स्टिट्यूट कर लिया, इस आई को सब्स्टिट्यूट कर लिया, किससे सब्स्टिट्यूट कर लिया, आई को सब्स्टिट्यूट कर लिया इससे, कितना, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। और अब ये आपका यहां बन जाने वाला फॉर्मूला कितना, म्यू नॉट स्क्वायर आपका कैंसिल, एन स्क्वायर आपका कैंसिल, क्या बनेगा, बी स्क्वायर ए एल बाय टू जूल, बल्कि मैं इसको बी नॉट लिख रहा हूं क्योंकि फ्री स्पेस ले रखा है। अच्छा म्यू नॉट कैंसिल नहीं होगा, तो अपॉन में एक म्यू नॉट रह जाना है, ठीक है। अब तो एक ये फॉर्मूला बन गया, अगला फॉर्मूला कैपिटल एन वाला सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहाँ कैपिटल एन वाले में कैपिटल एन की वैल्यू कैपिटल एन में रखा दीजिए। तो फॉर्मूला मैं पूरा लिख रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला, यू इक्वल्स कितना बना था, ये बना था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय 12, और अब आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी आपने कौन सी, जिसमें कैपिटल एन आ रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहां से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा, यू इज इक्वल टू बच जाना है आपका कितना बोलो, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ए बी बी नॉट, बी नॉट रखूं, बी नॉट स्क्वायर ए एल डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट जूल, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, मतलब कुछ भी करते रहे फॉर्मूले में। इसी तरह से आप यहाँ जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ आई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के भी कई फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन है इस पर, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आ चुके हैं, इन फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी स्टोर्ड इन लॉन्ग सोलिनॉइड,
ये एनर्जी कब है जबकि सोलेनोइड के बीच में क्या है, एयर या फ्री स्पेस। अगर इसी सोलेनोइड में आप एक मटेरियल भर दें तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, जिसे आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। तो एयर कोर के लिए मैं पूरा फॉर्मूला रिपीट कर लेता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन एयर कोर लॉन्ग सॉलिनॉइड। कितना फॉर्मूला निकल कर आया, ये फॉर्मूला आपका निकल कर आया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय 2L, ए आई स्क्वायर बाय 2L जूल। ठीक है, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन मीडियम फील्ड लॉन्ग सोलिनॉइड। तो मीडियम जब होगा तो आपके लिए क्या बन जाएगी, यू डैश इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय 12। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूंगा अगर, तो क्या होगा, देखो यू डैश बाय यू इज इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू आर। अब यहां से रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम डिफाइन करेंगे। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए लॉन्ग साइड लॉन्ग सोलिनॉइड फिल्ड विद द मीडियम टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द सेम सोलिनॉइड व्हेन देयर इज फ्री स्पेस इनसाइड द सोलिनॉइड। बिल्कुल वैसी डेफिनेशन जैसे हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए निकाली थी कैपेसिटर की। हेडिंग है इसकी एनर्जी स्टोर्ड इन लॉन्ग सोलिनॉइड।